आज बोलेंगे मंदिर मत जाओ तो वाइफ से मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हिंदू हिंदू है और वहाँ बौद्धिस्ट बौद्धिस्ट है। वहाँ कितना बढ़िया से सबको इज्जत मान सम्मान मिला और हमारे अपने हिंदू समाज में आए तो ये लड़ाई जबरदस्ती 10 रुपये अलग कर दिया। अभी हम लोग बौद्ध गया गए थे, हम लोग 20-25 का टीम गए थे अम्बेडकर मिशन की ओर से। सिर्फ सबके साथ बोला गया था कि भाई सब अपना बेटी बहन माँ को लेकर चलिएगा, किसी ने नहीं गया, खाली मैं अपना बेटी अपनी माँ को अपनी वाइफ को लिया। सारे लोग साथ में ट्रेन से गए, 2 दिन रहें वहाँ, बौद्ध गया भी हम लोग घूमे, पूरा 3 दिन रहें सारे लोग रहें। उसके बाद बेटी माँ को मैं बेटी और अपनी वाइफ को ले करके और बौद्ध गया बिशुन पथ घूमे। उसके बाद बोला, मेरा वाइफ बोली कि भाई थोड़ा हमको नदी उस पार सीता कुंड है चलेंगे देखने। हम लोग चलो, 11 बज रहा था दिन दोपहर, गर्मी का समय था। हम बोले, वहाँ का दुकानदार सब मना कर रहा था तो हम बोले नहीं चलो चलते हैं। हम गए वहाँ लेकर के, जान के लेके गए वहाँ। देखे तो पहले किसी ज़माना में कि वो छोटा मोटा मंदिर है, वहाँ पर पंडितों का क्या क्या उत्पत्ति करता है लोग, वहाँ कितना अत्याचार वहाँ है। तो मेरा माँ बहन अपना आँख से देखेगा। वहाँ गया, हम बोल दिए थे घर रास्ता में नदी में चलते चलते कि भाई देखो वहाँ 1 रुपया चढ़ाना नहीं है किसी को। यहाँ कोई जितना बौद्ध भी हम लोग गए खाए पिए रहे, होटल में रहें, वहाँ के धर्मशाला में रहें, कहाँ ठाना खर्चा नहीं हुआ, तो यहाँ भी 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है चलो। वहाँ जब गए, गुड़ लगा मंदिर में गया तो गुड़ लगा तो पंडित जी मेरा वाइफ से बोलती, यहाँ पैसा नहीं चढ़ाए। बोला कौन चीज का पैसा, चूँकि पढ़ी लिखी महिला है तो बोला कौन चीज़ 10 रुपये यहाँ लगता है चढ़ाने के लिए। तो मेरा बेटी फट से निकाल के दे दी। फिर हम लोग आके वहीं बैठे, पानी उनी पिए, चल दिए। फिर नदी रास्ता में हम लोग जाते जाते बात किए कि भाई कैसा लगा। बोला देख लो, इसीलिए हिंदू हिंदू है और वहाँ बौद्धिस्ट बौद्धिस्ट है। वहाँ कितना बढ़िया से सबको इज्जत मान सम्मान मिला और हमारे अपने हिंदू समाज में आए तो ये लड़ाई जबरदस्ती 10 रुपये अलग कर दिया। चूँकि ठीक है ये दे दी, लेकिन देने का बात नहीं था। ये शिक्षा जरूरी है सबके। ये अगर हम लोग आपस में नहीं बताएंगे, अपने घर में बोल चाल के भाषा में नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे। इसलिए हम लोग अपनी माँ बहन को लेकर चलना होगा। पिछले साल हम लोग सावित्रीबाई फुले का सरस्वती पूजा के दिन में सुगयाडी, एक गाँव यहाँ है धनबाद में विलेज है, सुगयाडी में हम लोग सरस्वती माँ का वहाँ पूजा के अलावा ये इनका मूर्ति हम लोग लगाया गया था वहाँ। ये मूर्ति का पूजा वहाँ हुआ था, पूरे धनबाद पूरे झारखंड पूरे इंडिया में सरस्वती की पूजा हुई थी। लेकिन वो एक धनबाद जिला नहीं, पूरे इंडिया में लगता मिसाल होगा कि ये सुगयाडी में उसका पूजा हुआ। इस बार भी हम लोग इन्वाइट है सरस्वती पूजा के दिन, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, इस पर पूजा करेंगे। क्योंकि हमारे बाल बच्चा को अगर इसके बारे में नहीं बताएं, किसी को नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम था 2-3 साल पहले, तो दूसरा को हम क्या बोलेंगे। तो जब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग नहीं जानते थे, तो संविधान शिक्षा कब होगा, जब हम लोग साथ में पढ़ना लिखना सीखेंगे, सब बच्चे लोग को बैठाएंगे अपने साथ में, अपने सभा में रखेंगे, अपने महिला को सभा में लेके जाएंगे, तब शिक्षा का ज्वलन होगा, तब उजाला होगा कि हाँ शिक्षा महिला के प्रति आया। नहीं तो क्या बोली ना कि अभी शिव चर्चा में बहुत सारा महिला चल जाती, उसमें भी कुछ RSS को लोग लगे हुए हैं, बाहर से आएंगे चंदा करवाएगा ये लोग से 10 रुपया 5 रुपया करके, 1000-1500 होगा, क्योंकि हम देखे हैं 1000-1500 होगा, उसको पैसा देगा, एक दो गाना गाने वाले लाके आती है गाई या 1500-2000 लेके चलेगी, हर एक गांव से हर एक कस्बा से पैसा लेके जा रही है। तो ये भी बंद करना होगा। आज हमारी महिला कोई पूजा होता है शंकर भगवान या मंदिर बनता है, सबसे ज़्यादा महिला गरीब SC ST OBC का महिला कलश लेकर, कलश में 1500 रुपये का चंदा लेता है, तो चंदा से हमारा कलश का पूजा करता है। हमारी माँ बहन सबसे ज़्यादा SC ST OBC का लोग उस कलश में हिस्सा लेता है। इसको भी बंद करना होगा हम लोग, तब जाके हम लोग उत्थान कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करने से हम लोग सीखेंगे नहीं, हमारी अपने घर से, चूँकि मेरे वाइफ हमसे लड़ेगी, नहीं देखो उसका पंडित जी उसका घर में जा रहा, तो भाई मजबूरन में चुरा के या जैसे भी है मेरी महिला जाती है। तो जब उस महिला को हम बंद कैसे करेंगे, तो अपने से लड़ाई नहीं होगा, उस महिला को ऐसा समाज में ला के बैठाना होगा, तब हम लोग आके हम लोग समाज के प्रति जागरूक होंगे। हमारी महिला नहीं होगी तो हम लोग कुछ नहीं, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं,
लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता समाज के प्रति क्या करना दायित्व है, सारे को कर्तव्य क्या है। तो जब तक अपने महिला माँ बेटी को नहीं हम लोग कर्तव्य सिखाएंगे तो नहीं सीखने वाला है, हम लोग से सीखने वाला नहीं है, क्योंकि घर में कलह हो जाएगा। आज बोलेंगे मंदिर मत जाओ तो वाइफ से मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो कल हमको चाय नहीं देगी, तो परसों ये नहीं देगा, मन मोटा ऐसे करके। इसीलिए इससे पहले लड़ाई से पहले है कि उस महिला को इस समाज में बैठाना के काम करना होगा, तब जाके हम लोग तरक्की करेंगे, ना अन्यथा वो तरक्की नहीं कर सकते। हम लोग कितना 2,000, 5,000, 10,000 आदमी को जुटा लेते हैं, लेकिन ऐसा 10 महिला हम नहीं जुटा सकते। तो क्या कमी मेरे में ना है, क्या हम ही लोग सब में कमी है? इनका कमी नहीं है, इनको जब तक हम घर से नहीं निकालेंगे तो इनका क्या कमी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्योतिराव फुले जैसा शिक्षा सबको मिल गया है और सबको मिल रहा है, हम चाहते सारा युवा वर्ग जो भी बूढ़ा बूढ़ी जिस तरह का सारे लोग को अपना समाज में लाकर बैठाने का काम करें हम लोग, तब जा करके हम लोग शिक्षित होंगे, सारे समाज जागरूक होगा और हम लोग काम करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।